तो आज हमारे फिलीपींस में दूसरा दिन है और ये हमारी पूरी इस ट्रिप का सबसे ज्यादा एडवेंचरस दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मोलबोल आइलैंड और साथ में करेंगे कैन्योनियरिंग। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी हमारी स्नॉकलिंग, जहां पर हम आपको दिखाएंगे सार्डाइंस रन, टर्टल वॉचिंग और साथ में आपको लेकर चलेंगे कैन्योनियरिंग की एक एडवेंचरस राइड पर। वसूल परफॉर्मेंस सुबह से लेकर अब तक पैसा वसूल, आपको मैं एंड में बताऊंगी हमने कितना खर्चा किया। तो फिर आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं इस एडवेंचरस सेबू डे 2 पर। तो सुबह सुबह 4 बजे उठकर हम पकड़ने अपनी कैब और पहुंच जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सेबू। बोले तो मोल बोल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 2 ऑफ सेबू सिटी, बोले तो फिलीपींस का। और आज हम आ चुके हैं, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था वो हमने कवर करा था सेबू सिटी के आसपास की जो भी चीजें थी। बहुत प्यारा सा दिन था हमारा। और आज हम आ गए एक बहुत ही प्यारे सी जगह जो सेबू से बहुत पास में, जिसका नाम है मोल बोल, जो कि बहुत फेमस है टर्टल वॉचिंग के लिए, सार्डाइंस रन के लिए और आपकी स्नॉकलिंग के लिए और आपकी स्कूबा के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे हम जैसे और भी फॉरेनर्स दिखेंगे आपको, क्योंकि द पॉइंट ऑफ कमिंग टू फिलीपींस इज कि आप ऐसे ही कोई छोटे छोटे आइलैंड में चले जाओ, वहाँ पर जाकर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिताओ, स्कूबा करो, डाइविंग करो। जैसे आपको मालदीव्स याद है, जैसे मालदीव में मल्टीपल आइलैंड है, तो ऐसे फिलीपींस में भी मल्टीपल आइलैंड है, 7100 आइलैंड है यहाँ पर। तो आप आराम से कोई भी एक आइलैंड, 2 आइलैंड 3 आइलैंड पकड़ सकते हो और वहाँ पर जाकर मजे मार सकते हो। बोले तो बिल्कुल ही समुंदर के पास है, स्नॉकलिंग करनी है स्नॉकलिंग करो, डाइविंग करनी है डाइविंग करो। तो इसी को हमने ध्यान में, कहते हैं ना, मद्देनजर रखते हुए हम लोग आ गए हैं मोल बोल। और हम कैसे आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको गाड़ी दिख रही है यहाँ पर, मजेदार गाड़ी छोटी सी, तो अभी हम इसी गाड़ी में आए हैं फ्रॉम सेबू सिटी टू मोल बोल। और ये भैया दिख रहे हैं दिग्गज चश्मे वाले भैया, हाँ, तो ये भैया है विलियम भैया, यही हमें लेकर आए हैं। अगर आपको याद होगा कल हमने स्कूटी ली थी, नहीं देखा कल का व्लॉग तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अभी आपको लिंक आ रहा होगा। हमने जिस कंपनी से स्कूटी ली थी, हमने उन्हीं से ही बात करी और हमने ये गाड़ी रेंट पे ले ली, बोले तो सिर्फ आने और जाने के लिए फ्रॉम सेबू सिटी। ये हमें लेकर आए और अभी हमें सेबू के एयरपोर्ट पे छोड़ दें, क्योंकि हमारी अभी शाम की जो है फ्लाइट है एक और आइलैंड में और फिलीपींस, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसकी जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो हमें पड़ी है 4000 पेसोस। 4000 पेसो होते हैं मोटा मोटा, अगर मैं US डॉलर में बात करूँ तो 62 डॉलर के करीब होता है, जिसमें हमारा आना जाना इंक्लूडेड है। दैट्स इट, सिर्फ आना जाना इंक्लूडेड है, क्योंकि द पॉइंट हेयर इज कि यहाँ पर जैसे ही आप मोल बोल में आओगे ना, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे पैडी सेंटर्स हैं, जैसे एक ये पैडी सेंटर है, ये पैडी सेंटर है, ये पैडी सेंटर है। तो पैडी सेंटर बेसिकली जहाँ पर ये ऑथराइज होते हैं डाइविंग और स्नॉकलिंग इन सब चीज़ों के लिए। सो द पॉइंट इज कि हम गाड़ी में आए हैं, इट्स अ यू नो टू एंड फ्रो का रेंटल है, आप यहाँ पर आओ, उसके बाद यहाँ पर आकर इनसे थोड़ा सा मोल भाव कर लो और स्नॉकलिंग करनी है या आपको डाइविंग करनी है, या इनके एक पूरी एक लिस्ट बनी होती है कि आपको टर्टल वॉचिंग करनी है या वेल वॉचिंग करनी है, आपको क्या क्या करना है, आप उसके हिसाब से अपना पैकेज ले सकते हो। वैसे रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप मोल बोल आ रहे हो या कोई भी ऐसे छोटे छोटे से सेबू में या दूसरे आइलैंड्स में भी आप ऐसे जगहों में जा रहे हो, तो आप 2-3 दिन रह सकते हो वहां पर। बट सिंस हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए हमने 1 डे ट्रिप ही रखा। अगर आपको लंबा रहना है तो आप बसेस से भी आ सकते हो, वो टाइम बहुत लेते हैं। जैसे हमें अभी सिर्फ लगे 2 घंटे आने में, हम सुबह तड़के तड़क 4 बजे निकल गए थे और हम 6:15 बजे यहाँ पहुंच गए थे। अगर आप बस से आओगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा बहुत कम लगेगा, करीब करीब आपका शायद 250 या 300 पैसोज ही लगेंगे, मगर वो टाइम लेती है 3-4.5 घंटे। सो वही फेर बदल वाली बात है, अगर आपको बस से आना बस से आ सकते हो, बट हम तो अभी गाड़ी से आए हैं। सो वी जस्ट गिव अ थॉट कि यार एक ही दिन बचा है हमारे पास, एक दिन भी नहीं, सिर्फ पौना दिन ही था हमारे पास मोटा मोटा, तो यहाँ तक आए हैं और यू नो स्नॉकलिंग और डाइविंग जैसे ये एक्सपीरियंस ना करें, क्योंकि मोल बोल इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल आइलैंड ऑफ फिलीपींस। तो यही थॉट से हमने ये गाड़ी रेंट पे ले ली। और अगर आपको भी, और ये मैंने क्लूक वगैरह इन सब में बहुत मत्था मारी कल करी, क्लूक
सिर्फ आने जाने का दो बंदों का ले रही थी 12,000 इंडियन रुपीज की मैं बात कर रही हूँ, और ये 4,000 पैसों को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो 6,000 इंडियन रुपीज होता है, तो उसके कंपैरिजन में क्लू के तो आधा रेट था ये। तो अगर आपको आना हो, अगर आपको टूर एजेंट का नंबर चाहिए हो, तो आप हमें डीएम कर देना वेजी वॉन्डर पे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको इनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं जहां पर भी आपको जाना हो इन इंटायर सेबू एरिया। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर आ गए। अभी हमने एक भैया से बात करी है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करी क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको इंग्लिश प्रॉपर समझ में आती। देन ही सेड कि आप अभी सुबह 6:30 बजे आ गए हो, ये टाइम अच्छा है क्योंकि अभी धूप इतनी आई नहीं है, तो आप वो कौन सी फिश होती है ना, सारदंग ड्राइंग है, तो सारदाइंस रन आपको आराम से यहाँ पे सुबह सुबह मिल जाएंगी, टर्टल भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि ये कितनी कॉस्ट बोलते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम करेंगे स्नॉकलिंग और फिर थोड़ा सा समुंदर देखेंगे, उस साइड है हमारा समुंदर, और मस्त मजे मारेंगे और फिर निकलेंगे 12:30 बजे अपने सेबू सिटी के लिए। ठीक है जी, चलो आओ, आज के दिन जो है हमारा मोल बोल के लिए डेडिकेटेड है, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन डू हियर। ये हैं जेलमर हमारे गाइड भाई जो हमें आज कराने वाले हैं स्नॉकलिंग। दिस इज योर शॉप? या ओके, सो ये सारी इक्विपमेंट है इनके पास, तो ये हमें सारी इक्विपमेंट देंगे। जैसे ये यहाँ पर स्नॉकल है, ग्लासेस है, लाइफ जैकेट है, बोल रहा है फ्लोटर भी दे देंगे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, जैसे गगन को स्विमिंग नहीं आती है। तो भाई के साथ हम जाने वाले हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। चलो चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हमारे चेंज्ड क्लोथ में। yes, चलो हम चल दिए हैं हमारे भैया के साथ, ये हमारे गाइड हैं, ये हमारे गियर्स हैं और ये हमारी मॉडी है, और अब हम जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने। हमने करी थी मालदीव में, अगर आपने मालदीव वाली व्लॉग नहीं देखे तो जाके देख लेना। हमने ये बताया था कि एक नॉन स्विमर का एक्सपीरियंस कैसा होता है व्हेन यू डू डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, क्योंकि गगन को स्विमिंग नहीं आती और मॉडी फिर से लगी हुई है करने में कुछ कुछ। तो चलो भाई, टर्टल वी कैन से आल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, डिफरेंट कलर ऑफ फिश, यू कैन सी आल्सो इवन वी आर गाइड हैड हैव अ लॉट ऑफ फिश दैट दे डोंट नो द नेम। ओके ओके, सो टर्टल, please avoid to touch the turtle, because if you're going to touch you must pay the penalty of 2500. ye hai clear crystal water jiske andar hum jane wale hain aur karne wale hain snorkeling. ye dekho bhai, to ji finally hamari snorkeling hogi, itni sari sardan run hame dikhi, मतलब मजा ही आ गया। और एक टर्टल वॉचिंग मेरा वारा, तो टर्टल इतना बड़ा टर्टल था, पापा टर्टल था वो, और वो हमारे साथ साथ ही घूम रहा था, मतलब वो 20-25 मिनट तो हमारे साथ साथ ही रहा या हम उसके साथ साथ रहे। और सार्दन रन्स, क्या यार, मैंने ये ना सिर्फ मूवीज और शायद कुछ इंस्टाग्राम जो डाइवर्स ने थे इंस्टाग्राम की वीडियोज में ही देखा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लाखों में फिशेज थी, छोटी 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 गुच्छा बना के चल रही हैं, और एक गाइड लोग क्या करते हैं कि उनके बीच में से ऐसे जाते हैं, तो वो ना ऐसे पूरी घूम जाती हैं, तो अपने आसपास ऐसे पूरी घूम जाती है वो गोल 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 गोल। अमेजिंग एक्सपीरियंस, मुझे इस जब हम कर रहे थे तो मुझे उसकी याद आ गई, मालदीव्स में हमारा जो डाइविंग एक्सपीरियंस था मुझे उसकी याद आ गई। आई एम अ नॉन स्विमर, हम लोगों का क्या था, उसने ना एक ऐसी गाड़ी सी बना रखी थी, अभी यहाँ पड़ी होगी, वो दिख रही है आपको, देखो चार ये मून बग्गी, नासा वाली मून बग्गी, तो ऐसे उसने गाड़ी सी बना रखी है, जो पाइप होते हैं उनसे आप उसको ऐसे पकड़ लो और यहाँ के रस्सी से खुद को बांध लेता है गाइड, तो गाइड आगे आगे चल रहे, आप ऐसे लटक लटक के पीछे चल रहे हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मात्र 500 पैसों में, इट वॉज वर्थ इट, मैं सही में ये बोलूँगी। मालदीव्स में हमने बहुत महंगी डाइविंग करी थी, बहुत महंगी स्नॉकलिंग करी थी, क्योंकि वो वहाँ होती महंगी है, मतलब ऐसे नहीं कि हमने महंगी करी थी, वहाँ पर होती ही महंगी है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर उतनी महंगी नहीं है, यहाँ पर बहुत सस्ती थी, 500 पैसों बोले तो सिर्फ 750 इंडियन रुपीस में हमने स्नॉकलिंग कर ली, वो भी 45 मिनट्स से एक घंटे के करीब, बट सीरियसली इट वॉज वर्थ इट, मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया। मैं एक बार स्विच करती कैमरा अरुण की तरफ, हमारे स्विमर भाई की तरफ, और वो आपको अपना एक्सपीरियंस देगा भी स्विमिंग का, बढ़िया एक्सपीरियंस था लड़के का। हम स्विम कर रहे थे, वो स्नॉकल कर रहे थे, तो बहुत सारी सार्डन्स दिखी, मेरा मन किया मैं भी उनके बीच में हीरो वाला शॉट दूँ, तो हीरो बनने का मन किया मेरा, तो मैंने गाइड भाई को बोला कि मेरी जैकेट, उनकी मेरे को भी नीचे आना है, तो मैंने जैकेट उतार दो, मैंने लाइफ जैकेट उतार दी, स्टेबल किया, सांस लंबी ली और नीचे गया मैं, जब तक नीचे गया तब तक गाइड भाई नीचे नहीं आया, फिर वापस ऊपर आ गया, फिर वो कह रहा अब जब मैं तीन बोलूँगा तब नीचे जाना, उसने जब तक तीन बोल के वो नीचे गया तब तक एक
वेव आई करंट की, उसने मुझे उल्टा कर दिया। अब मैंने स्नॉर्कल में पानी, मैंने मुंह में पानी चबानी, मैं कंट्रोल लूज कर गया। अब बस मैंने इतना नीचे में नीचे घुसा, ऐसे दोनों हाथ दिलाए उसको, मैं नहीं आ रहा और मैं ऊपर आ गया। और मैंने उसको बोला तू मेरी हेल्प कर, मुझे वहाँ तक लेके जा जहाँ पे वो तेरी मून बग्गी चल रही है। फिर वो आया, उसने मुझे कंधे में फंसाया, मून बग्गी तक लेके गया। मैंने खासा ढंग से पानी निकाला सारा मुँह में से, तो मेरा सारी हीरोगिरी निकल गई जब मैं हीरो बन के कूदा था नीचे। पर अगर भाई मैं कूद पाता ढंग से, मैं बैलेंस नहीं बिगड़ता, तो क्या ही शॉर्ट और क्या ही मजेदार एक्सपीरियंस होता। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था यार, मज़ा आ गया। टर्टल का इतनी प्यारी प्यारी फिश, क्या क्लाउन फिश, क्या बतेरी फिश जिनके नाम भी नहीं पता, ईल्स इतनी लंबी लंबी, चल रहा सांप बैठे हुए अंदर। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और इसको बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि बजट, जो पैसे तुम लगा रहे हो वर्थ फॉर मनी है या नहीं है, ये कम्प्लीटली वर्थ फॉर व्हाट यू स्पेंड। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और ये नीला नीला समुंदर, अगर आप यहाँ आओ फिलीपींस और आपका मन हो वाटर एक्टिविटी करने का, तो यहाँ कर लेना, यहाँ रिलेटिवली चीपर है इन कंपैरिजन टू मालदीव। और इसी नोट पर हम चलते हैं आगे और करते हैं आगे के दिन की शुरुआत। या वो ब्लू ब्लू देख रहे हो, वो डार्क ब्लू ब्लू पानी। हम ये देखो, ये इतने सारे लोग भी हैं, शायद मैं जूम नहीं कर पा रही, ये हाँ ये दिख गए होंगे। हम इसके आगे तक गए थे उधर तक, और वहीं पर ही थी भयंकर करंट, है ना। भी हम स्नॉकल करके आए थे तो हमने सारी सफाई कर दी थी, लेकिन इस भाई ने आके हमारे सारे गियर्स को एक बार ढंग से फिर साफ कर रहा है। तो भाई हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं लोग। और ये देखो भाई आगे तो भीड़ भीड़ लग गई, धनाधन स्नॉकलिंग के लिए लोग जा रहे हैं। तो जी यही है हमारी प्यारी सी गाड़ी जो मैं आपको दिखा रही थी। अभी मैं जस्ट अरुण को ये बोल ही रही थी कि हम कभी कभी लेजर ट्रिप करते हैं। रीज़न उसका बहुत स्पेसिफिक था, क्योंकि वो जगह जहाँ पर आपका जाना इज वेरी डिफिकल्ट और टाइम कंस्ट्रेंट, ये दो अगर जहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं तो फिर हम पैसा नहीं देखते। आई थिंक ये दिस इज़ आर टाइप ऑफ ट्रैवल। सेकेंडली जब हम आपको 500 पैसों बोल रहे थे, तो उसमें इट वॉज 500 प्लस 300 रुपये उसने और लिए, जो कि वो हमने सामान यूज़ करा, जैसे कि गियर्स यूज़ करे, उसका वॉशरूम वगैरह यूज़ करा, तो उसने बोला कि ये गियर्स वगैरह भी हम किराए पे ही लेते, लाइफ जैकेट वगैरह। तो ठीक था यार, 300 पैसों था, बट हम क्योंकि ये हम ऑलरेडी मालदीव्स में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पता है कि कितना कॉस्टली होता है। आप लगाओ कि मालदीव्स में हमारा स्नॉकलिंग आई थिंक उसने $25 या $30 पर पर्सन लिया था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो अगर मैं $30 को भी हिसाब लगाऊं तो 2500 रुपये होता है। अगर मैं 30 को भी मोटा मोटा 80 से मल्टीप्लाई करूं तो इट्स मोटा मोटा 2500 पर पर्सन। और ये हमारा अगर मैं 800 पैसों भी लगाऊं तो ये हो गया मेरा 1200 में दो बंदे हो गए। मैंने कहा 2500 एक बंदे का, कहा 600 रुपये एक बंदे का। तो ये मोटे मोटे कॉस्ट। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ पर। तो अगर आपको आना हो यहाँ पर, वैसे जैसे ही आप इधर आओगे, मोलबोल आओगे, आप वाइट सैंड बीच किसी को बोल देना, आपको पहुँचा देगा। वहाँ से आपको लाइन लगी हुई है पूरी, पैडी 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 सेंटर पैडी सेंटर, आपको आराम से मिल जाना चाहिए। स्टिल अगर आपको हमारे वाले भैया का नंबर चाहिए हो तो आप DM कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अब जो है जी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अरुण? जा रहे हैं व्हाइट सैंड बीच, और उसके बाद हम एक और जगह जाएंगे कैन्योरिंग करने। हमारे ये भैया ने, गाइड भैया ने हमें, ड्राइवर भैया ने हमें सजेस्ट करा है। तो पहले जाएंगे व्हाइट सैंड बीच, वहाँ मत्था टेकेंगे 10-15 मिनट, फिर उसके बाद निकलेंगे हम अपनी अगली डेस्टिनेशन। और हम आ गए हैं व्हाइट सैंड बीच। आप देख रहे हैं यहाँ की रेता भी व्हाइट है, जो कि अरुण कहाँ की याद दिला रही है, किरण बीच। ये तो मुझे किरण बीच की याद दिला रही है, फुकेत। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर आने के हमारे लगे हैं 70 पैसों, क्योंकि 50 रुपए की कुछ एंट्री एक टिकट थी, और अंदर एक और फिर एक सेकंड एंट्री थी जिसमें 10 रुपए 10 रुपए सवारी थी। तो हमारे लग गए 70 पैसों, और हम आ गए हैं अब सुंदर से किरण बीच में, जो ये व्हाइट सैंड बीच। ये जो लाइन है ना, ये पूरी सी लाइन जो है पूरा, वो सेम ही है जहाँ पर अभी हम स्नॉकलिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर स्नॉकलिंग वगैरह हो रही है, बट कम हो रही है। कयाकिंग की यहाँ पर मुझे कयाक बोट दिखी है, बट यहाँ पर इट्स मोर ऑफ अ लोकल लाइट की चिल मार रहे हैं। पीछे खाने पीने के छोटे 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 कैफेटेरिया वेंडर शॉप्स हैं, और ये बड़ा ही मस्त सा बीच है। तो अगर आप इस साइड आते हो, सीबू के इस साइड अगर आते हो, मोलबोल साइड, तो यहाँ आना मत भूलना। ये अच्छा सा बीच है, यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा, जितनी मर्जी आपकी इच्छा हो। तो मैं तो चली पानी में, बाय बाय। तो भैया हम आ गए हैं दूसरे एक्टिविटी के लिए, जिसका नाम है कैन्योनियरिंग, जो कि आपको एक माउंटेन पे ले जाएंगे, फिर उसके बीच बीच में जो रास्ते में से पानी में से चलोगे, तैरोगे, कूदोगे, चलोगे, तैरोगे, कूदोगे, ये सब करते हुए आप एक कवासन फॉल है
जिसे वन ऑफ द बेस्ट फॉल ऑफ फिलिपीन कहा जाता है, वहां पर आके आपकी एग्जिट हो जाती है। तो इस पूरी एक्टिविटी में लगते हैं लगभग 3 घंटे, तो हमारे पास बिल्कुल टाइट टाइम है, तो 3 घंटे में हम ये एक्टिविटी फिनिश करेंगे। इस एक्टिविटी का जो प्राइस इन्होंने बताया बताया 2100 पीसो पर पर्सन, जिसके अंदर गियर्स इंक्लूडेड है, माउंटेन से जाना, जहाँ एग्जिट होगा वहाँ से वापस यहाँ पर आना, ये सब इंक्लूडेड है। और उसके अलावा इन्होंने हमें दिए ये एक वाटर बॉटल और ये एक स्नैक बार, ताकि जब कैन्योनियरिंग करते टाइम आप थक जाओगे, पानी वानी होगा, सब इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें फूड भी इंक्लूडेड है। जब हम वापस आएंगे तो हमें एक वेजिटेरियन स्पेगेटी बना के देंगे, ये जो हमारा लंच टाइप का काम करेगा यहाँ पे। तो ये पूरा पैकेज हमें मिल रहा है 4200 पीसोज फॉर बोथ ऑफ अस, 2101 बंदे का। तो ये प्राइस है जो हम जहाँ से हमने वो किया था अपना क्या बोल रहे उसको, स्नॉकलिंग वगैरह की थी, वो 1900 बता रहा था, पर ये बोल रहे हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन हम दे रहे हैं, फूड हम दे रहे हैं, तो इसीलिए 100-100 रुपया दोनों का एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 100-100 पीसो ऐड कर दिया, इसीलिए 2100 पीसो का ये पूरा बन रहा है, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो ये ऑथराइज सेंटर है जहाँ से हम ये कर रहे हैं। तो जो बंदे हमारा कार, जो हमारा भैया हमारा ड्राइव करके लेके जा रहा है, वही भैया हमें यहाँ लेके आया है। तो अगर आपको भी ये करना होगा तो आपको इसी सेंटर पर लेके आए, ऑथराइज सेंटर है और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है। तो ये था यहाँ का ज्ञान मोटा मोटा। अब हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं हमारी ट्रिप। इसने हमारा आईडी प्रूफ ले लिया है, इन्फॉर्मेशन बना रही है, क्यूआर कोड जनरेट कर रही है, उसको यूज करेंगे हम कैन्योनियरिंग की एंट्री के टाइम पे। तो दिस इज इन नटशेल इज ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपको मिलते हैं कैन्योनियरिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। जावांज अरुण और जावांज गगन तैयार हो गए हैं कैन्योनियरिंग के लिए। ये लड़की तैयार हो रही है, हेलमेट शेलमेट जैकेट वैकेट जूते वूते पहन के चल दिए हैं घूमने के लिए। भाई ये है बादियान कैन्योनियरिंग एडवेंचर, वहाँ पर हो रही है ब्रीफिंग कैन्योनियरिंग शुरू होने से पहले, और यहाँ पर हो रही है नर्वसनेस कैन्योनियरिंग शुरू होने से पहले। ब्रीफिंग चल रही है तो डर लग रहा है क्या करेंगे। ये सारे लोग हमारी तरह जाएंगे, और ये हमारा गाइड है पिंक कटीपू हेलमेट वाला। यहाँ से जाने के दो ऑप्शन है, या तो आप वॉक करके जाओ 40-45 मिनट जो पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर ऊपर ही जिप लाइन चल रही है जो 10 मिनट में आपको उस पॉइंट पे पहुंचा देगी। यहाँ पर ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि भाई अब इतने हम पैसे उड़ा रहे हैं एक्सपीरियंस में, तो थोड़ा तो वॉक करा जाए, क्योंकि ये अच्छी सी वॉक है, सुंदर सी ट्रेल बनी हुई है। तो हमने कहा हम ट्रेल में घूमते घूमते जाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। और ये हम लगभग 20 मिनट की वॉक के बाद आ गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट के पास, और ऐसे ऐसा कोई ट्रेल था बढ़िया सा जिसके थ्रू हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ तक, और वो जंप पॉइंट है, मजा आएगा। तो भाई ये है कुछ दूध ये रंग का पानी, जो कि बहुत ही सेक्सी लग रहा है देखने में यार, मजेदार। ओके रेडी, ओके नेक्स्ट, लेट्स एंजॉय बैकसाइड। हमारा भाई ट्रिप मजेदार शुरू हो गया है, भाई ने जंप कराई, दिल्ली खुश कर दिया। अब ये रास्ता है पूरा, तो हमें जाना है कूदते तैरते और पत्थरों को चीरते हुए। वो चल दी हमारी वेजी वंडर आगे आगे। तो कैन्योनियरिंग के इस प्यारे से एक्सपीरियंस में आप ऐसे स्लाइड करते हुए कूदते फांदते इन पत्थरों पर मजे लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कैन्योनियरिंग अपने आप में एक पूरा पैकेज है, क्योंकि आप एड्रिनल रश, एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, सारी चीजें एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, ये होती है कैन्योनियरिंग, जिसमें आप ये बड़ी ग्रैंड सी कैन्यन है, इसके बीच में से निकल के जाते हो, और दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। भाई मजेदार व्यू बन रही है, सिल्वी जा रही है आगे आगे, बहुत ही बढ़िया। हो गया कविता, just wait. स्लाइड होके इसके अंदर से जा रही है। बेबी शार्क हियर, बेबी शार्क। ओह यस, आई लव इट। आई एम इन लव विद बेबी शार्क। अमेजिंग यार, मजा ही आ गया। महंगी चीज है पर पैसा वसूल करना चाहिए जरूर। ये भाई हमें खींच के ले जा रहा है। ओ भाई, आपका व्यू ये है, लेकिन मेरा व्यू ये है। अमेजिंग यार, ओए 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 ओए।
भाई ये देखो आप, क्या बोलोगे इसे यार, क्या कुदरत का करिश्मा है, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, नाइस यार। तो जी अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो लास्ट जंप है, उसके बाद 10 मिनट की और चलना है एंड देन इट विल बी द एंड ऑफ दिस जर्नी। बहुत ही मजेदार जर्नी, मतलब आई थिंक अरुण ने भी बताया ही होगा आपको, और हमें जो दो गाइड मिले हैं वो भी क्या ही अमेजिंग गाइड मिले हैं यार, वो तो मेरे को चलने ही नहीं दे रहे पानी में, वो तो उसने मेरे पीछे बैग पकड़ के मेरे को खींच ही रहा है बस, बट बहुत मज़ेदार, अमेजिंग अमेजिंग क्या कहते हैं उसको एक्सपीरियंस। अब मैं आपको वो जंप दिखाती हूँ जो लास्ट जंप है, और आई थिंक वो 10 मीटर की है, मैं नहीं कर रही, मेरे बस की नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये आप जो देख रहे हो यही वो लास्ट जंप है, और अभी कोई कूदेगा अभी दिखाती हूँ आपको, ये लास्ट है, उसके बाद से कुछ 10 मिनट की वॉकिंग है। ये क्या आया बंदा, और ये देख रहे हो आप यार क्या ही नज़ारे हैं, मज़ेदार, बिल्कुल ही ब्रेथ टेकिंग। अमेजिंग, पहले मेरे को लगा मेरे से नहीं होगी, 11 मीटर मतलब लगभग 35-40 फीट, वो देख के फट गई, लोग भाग के आ रहे थे, मैंने कहा भाग के तो नहीं होगी, बैलेंस बिगड़ेगा, खड़े हो गए, हाइट देगी ऐसे लुप लुप, तो तुरंत बोला मैंने भारत माता की जय, और मैं कूद गया, मजा ही आ गया भाई साहब, चलो और फियर कॉन्कर कर लिया हमने आज, ये भाई ये है कावासन, जो थर्ड लेवल पे थे हम लोग, वहाँ लिखा हुआ इन्होंने हाइट 11 मीटर डीप 5 मीटर, तो थर्ड लेवल, मज़े ही आ गया यहाँ पे, नाइस वन। हमारी एंडिंग सी हो गई है लगभग, और ये व्यू बन रहा है कुछ कुछ, और ये हमारी मौड़ी जा रही है आगे आगे, अब यार ये देखो आप, अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, व्यू अमेजिंग, मज़ेदार जगह, मन ही खुश हो गया, बहुत अच्छा था, एंड मुझे लग रहा है कि पैसा वसूल परफॉर्मेंस, सुबह से लेकर अब तक पैसा वसूल, आपको मैं एंड में बताऊंगी हमने कितना खर्चा किया, और एक्सपीरियंस जो कमाया वो अमेजिंग था। अभी हम आगे जा रहे हैं, 10 मिनट की वॉक है, और उसके बाद एग्जिट, चलो मजा आ गया, अमेजिंग यार। तो ये वॉटरफॉल आप देख रहे हो जो हमारे सामने ये बह रहा है मस्त सा, ये है सेकंड लेवल ऑफ कावासन वॉटरफॉल, आप जा रहे हैं फर्स्ट लेवल पे। हार्ड वर्किंग गाय। अब हम एक एडवेंचर के बाद जाएंगे दूसरे एडवेंचर में, इसको बोलते हैं ये अपर अपर, ये बाइक के साथ इन्होंने जोड़ दिया रिक्शा, अब अपर अपर में हम जाएंगे मजे मारते हुए, चलो भाई अपर अपर। तो इस एक्सट्रीमली एडवेंचरस दिन के बाद अब बारी थी इस एडवेंचर को थोड़ा सा विराम देने की और जाने की एयरपोर्ट, क्योंकि अब हम सेबू छोड़कर निकलेंगे प्यूर्टो प्रिंसेसा, और आपको बताएंगे कि हमने इस पूरे दिन में, इस एडवेंचरस दिन में टोटल कितना खर्चा किया। आज का दिन हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार और एडवेंचरस था, पूरे फिलीपींस का अभी तक का इट वॉज अ गुड डे ट्रिप। मोटा मोटा खर्चा बता देती हूँ, हमने जैसे वो एक टैक्सी कर ली थी तो उसका आने जाने का जो खर्चा था वो था 4,000 पैसो, ठीक है 4,000 पैसो था, 4,000 पैसो को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इंडियन रुपीज़ में हो गया वो 6,000 इंडियन रुपीज़ हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपको कि हमने जो स्नॉकलिंग करी थी वो कितनी करी थी, स्नॉकलिंग में हमारा टोटल हम दोनों का, मेरा और अरुण का लगा था 800 पैसो लगा था, अगर मैं उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगी तो होता है 1,200 इंडियन रुपीज़, तो 6,000 प्लस 1200 हो गए मेरे 7,200 प्लस। अब मैं ग्रैंड वाले की बात करती हूँ, स्कैनियनियरिंग, उसमें हम दोनों का मिला के पैसा लगा है 4,200 पैसो, उसमें गाइड वॉज इंक्लूडेड, गाइड इंक्लूडेड था, बहुत मजा आया, आपने ऑब्वियसली अभी तक क्लिप्स वगैरह देखी होंगी, मजेदार अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। बट एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हमेशा अपने गाइड की सुनना, क्योंकि एक बंदे ने नहीं सुनी, एक जगह से जंप करना था
रफ जंप था, मना भी किया था गाइड ने कि मत जंप करना, उसने नहीं सुनी, उसका यहाँ 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 सब फट गया था। तो पानी था तो पता नहीं इतना डीप कट पता नहीं चल रहे थे, आई थिंक जब वो बाहर आएगा तब उसको पता चलेगा कितना डीप कट था वो। तो वो ऑसम था। लास्ट जो हमारी एंडिंग होती है वो कवासन फॉल्स में एंडिंग होती है। बहुत मज़ेदार ट्रिप था, इट वॉज गुड, इट इज़ रिकमेंडेड। तो उसमें हमारा लगा 4200 पैसो, अगर मैं उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँगी तो वही 6000 के करीब, 6100 के करीब। तो 7200 प्लस 6000 हो गया, मैंने 13000, 13500 लगा लेते मोटा मोटा, 13500 प्लस अगर आपको टिप जितनी देनी, हमने जितनी हमारे हिसाब से, हमने श्रद्धा के हिसाब से दोनों जो टूरिस्ट गाइड थे उनको टिप देती, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। जैसे उसने तो मुझे चलने ही नहीं दिया पानी में, उसने तो मुझे डक बना दिया, डक इन द सेंस जो आपका वो लाइफ जैकेट होती है उसको उसने मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ा और उसने बोला कि फ्लोट करो और आसमान की तरफ देखो। तो आसमान, वादियाँ, पानी, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। जगह जगह आपकी फ़ोटो खींचेंगे, जगह जगह आपकी वीडियो बनाएंगे। और एक रिकमेंडेशन है कि बोबो पाव जरूर लेकर जाना, क्योंकि या आपके पास अगर गोप्रो है तो वो चलेगा, नहीं तो बोबो पाव जरूर लेकर जाना जैसे हमारे पास है। उसमें पानी अंदर जाता नहीं और आपकी मस्त सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बन जाएंगी। तो ये था जी हमारा 2 दिन सेबू में, बहुत मज़ा आया। कल हम पूरा सिटी एक्सप्लोर कर, हमने स्कूटी रेंट पे ले ली थी। आपने वीडियो अगर नहीं देखी हमारा कल का व्लॉग तो बहुत अच्छा लाइट डे था। उसके बाद हमारा, अब मैं देख ही रहा होगा कि मैं अभी फ्लाइट पे बैठी हूँ और अब हम जा रहे हैं एक नई जगह। तो हमने 2 आइलैंड रखे थे लिस्ट में, एक था सेबू और दूसरा है प्योर्टो प्रिंसेसा। बड़ी मुश्किल से नाम याद हुआ है मुझे, प्योर्टो प्रिंसेसा। यहाँ पर एक अंडर वाटर सी करके भी कुछ है जिसको नेचर का वर्ल्ड ऑफ वंडर का नाम दिया गया था, उसी को देखने के लिए बेसिकली हमने ये प्योर्टो प्रिंसेसा जो है अपने आइटनरी में डाला। तो 2 दिन हम यहाँ पर हैं, थर्ड डे हमारी एग्जिट है टू इंडिया, ठीक है जी। तो अगर आपको हमारा फिलीपींस का अभी वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहिए और घूमिए हमारे साथ प्योर्टो प्रिंसेसा। बाय बाय, गुड नाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेवल प्लान करने में हम आपकी मदद करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां जाकर सर्विसेज ले लो।